हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, हम आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 प्रत्यावर्ती धारा के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप पेज नंबर 245 निकाल लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। सब अपनी बुक में पेज नंबर 245 245 निकाल लीजिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों से हम शुरुआत करेंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से हम समझने का प्रयास करेंगे बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 245 सब निकाल चुके होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1, और उम्मीद है आप सभी लोगों ने कर भी लिया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल का मान होता है। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि IRMS, पहले क्वेश्चन में प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल IRMS की बात करवा रहा है और ऑप्शन कह रहा है शिखर मान का दोगुना, शिखर मान का आधा, शिखर मान के बराबर या शिखर मान का 1/√2 गुना। तो बच्चों, आप सभी ने IRMS का सूत्र क्या पढ़ा है बताओ। देख, I0/√2। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि IRMS बराबर I0 ब्रैकेट में 1/√2। कहने का मतलब जो वर्ग माध्य मूल धारा है, जो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान है, कहने का मतलब जो IRMS है वो शिखर मान यानी कि I0 का कितना होता है बच्चों, 1/√2 गुना। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान है वो शिखर मान का कितने गुना होगा, 1/√2 गुना। या इसको सॉल्व करने के बाद मैंने कहा था 0.707 आएगा, आपको याद होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन सबको क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें, इसमें पहले में ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर हम दूसरे की अगर बात करें, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में निम्न में से किसके लगे होने पर धारा वोल्टता से कला में आगे होती है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि कौन सा परिपथ होगा कि जो धारा है ना, धारा कॉमा लगाइए कहां गया, धारा वोल्टता से कला में आगे होती है। धारा वोल्टता से कला में आगे, आप समझिए ध्यान से, क्या कहा इसने कि धारा वोल्टता से आगे हो। कहने का मतलब वोल्टेज धारा से पीछे होगा। भाई धारा और वोल्टता दो ही चीज तो हैं। धारा अगर आगे है तो वोल्टता कहां होगी, पीछे। मैंने बच्चों आपको 2-3 तरह के वोल्टेज याद करवाए थे। मैंने कहा था वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस VR करंट की डायरेक्शन में होता है। मैंने कहा था BL वोल्ट कुंडली का वोल्टेज करंट से π/2 कोण आगे होता है और BC π/2 कोण पीछे होता है। कहाँ है वोल्टेज, धारा जो है ना, धारा वो वोल्टता से आगे, धारा आगे है मतलब वोल्टता कहाँ है, पीछे। और दिए गए ऑप्शन के आधार पर अगर मैं चेक करूँ बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 कौन सा बोल रहा है, केवल प्रतिरोध, यह आंसर नहीं हो सकता क्योंकि केवल प्रतिरोध वाला परिपथ होता है, शुद्ध R परिपथ होता है तो वोल्टेज करंट की दिशा में होता है। बी, केवल प्रेरकत्व, याद करो केवल प्रेरकत्व मतलब L परिपथ में तो वोल्टेज खुद आगे होता है धारा से। सी, केवल धारिता, ये हो सकता है ये कंफर्म नहीं कह रहा हूं, हो सकता है। अगर बच्चों यहां नाम π/2 आता ना, फिर तो कन्फर्म था ये सी है, अभी सी हो सकता है। और डी, द है धारिता और प्रतिरोध, ये ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा बेटर है। देखो इसमें कोण की चर्चा करी है क्या आपसे, बोल रहा है कि धारा वोल्टता की कला से आगे है। बच्चों अगर इसने बोला होता कि π/2 आगे है, कोण π/2 बोला होता, तब तो क्लियर था कि ये सी परिपथ है। कौन सा परिपथ है,
सी, पर अभी ये सी नहीं है, कौन सा परिपथ होगा बच्चों? आर सी परिपथ, आर सी परिपथ ऑप्शन नंबर डी, धारिता और प्रतिरोध हो, धारिता और प्रतिरोध हो, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर दूसरे में से कैसे दिया हुआ है, अरे सॉरी मैंने ऑप्शन तीसरे के पढ़ लिया, सॉरी भाई ना, ऑप्शन दूसरे के में शुद्ध प्रतिरोध नहीं, शुद्ध प्रेरकत्व नहीं, शुद्ध धारिता और डी बोल रहा है कोई नहीं, तो देखो कोई नहीं वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब इस कंडीशन में आंसर क्या होगा इसका? शुद्ध धारिता युक्त परिपथ, शुद्ध धारिता युक्त परिपथ सही आंसर होगा। इसमें द आंसर था, इसमें सही। सुनो डिपेंड करता है ना आंसर ऑप्शन के ऊपर, अगर ऑप्शन में आरसी हो तो मैंने क्या है क्वेश्चन नंबर तीन के ऑप्शन पढ़ लिए थे, थोड़ा सा इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर तीन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीन में प्रत्यावर्ती धारा की कला वोल्टता की कला से पाई बाई टू कौन पीछे रहती है, कौन सा परिपथ होगा? प्रत्यावर्ती धारा की कला वोल्टता की कला से पाई बाई टू कौन पीछे रहती है? सुनना क्वेश्चन नंबर तीन बोल रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा की कला वोल्टता की कला से पाई बाई टू कौन पीछे रहती है? अब सुनना आप तो वोल्टेज की स्थिति देखो कि वोल्टेज क्या कहना चाह रहा है, क्या वोल्टेज करंट की दिशा में है? बिल्कुल नहीं लग रहा इस लैंग्वेज से। जो धारा है ना, धारा उसकी कला वोल्टता की कला से पीछे है, धारा पीछे है मतलब वोल्टेज आगे है, वोल्टेज आगे है, और वोल्टेज कितना आगे है? पाई बाई टू आगे है, और जब वोल्टेज पाई बाई टू आगे हो तो 100% शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ होगा। कौन सा परिपथ होगा बच्चों? शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ होगा। कहानी समझ में आई सबको? तीसरा क्वेश्चन, ठीक है देख लो एक बार यहां तक जल्दी से। पहला सिंपल था कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान शिखर मान का कितना हो जाएगा, जिसका आंसर आ गया 1/√2 गुना 1/√2 गुना। दूसरे ने कहा कि धारा वोल्टता की कला से कुछ आगे है, धारा आगे है मतलब वोल्टेज कहाँ है? पीछे, शुद्ध धारिता परिपथ हो गया। इसमें धारा पीछे है, वोल्टेज कहाँ है? पाई बाई टू आगे, शुद्ध एल परिपथ हो गया। क्वेश्चन नंबर चार है ओमेगा सी का मात्रक क्या होता है, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर चार बच्चों, ओमेगा सी को देखकर आपको एक्स सी याद आता है क्या? क्या एक्स सी बनपोन ओमेगा सी है? और आपको पता हो तो एक्स सी का मात्रक होता है ओम, ओम मतलब मैं बनपोन ओमेगा सी के मात्रक की बात करूं तो इसका मात्रक क्या है बच्चों? ओम। एक्स सी का मात्रक पूछ ले या एक्स सी की वैल्यू कितनी है, 1/ωc इसका मात्रक पूछ ले कितना होता है ओम। अब अगर इसको उल्टा कर दें ओमेगा सी का मात्रक तो ये आ जाएगा ओम इनवर्स, ये भी आंसर हो सकता है। ओम इनवर्स ना बोलकर महो बोल दे, ये भी आपका मात्रक हो सकता है। तो ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन क्या है? ओम महो, महो आपका आंसर है। ओम OHM होता है, इसका उल्टा लिखा है MHO इनवर्स की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, पढ़िए। परिपथ में संधारित्र, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको एक नोट लगवाया था, ऑप्शन पढ़िए एक बार। प्रत्यावर्ती को गुजरने देता है, प्रत्यावर्ती को रोक देता है, दुष्ट को गुजरने देता है, प्रत्यावर्ती को रोकता है, दुष्ट को गुजरने देता है, ऐसा क्या लॉजिक लगेगा? दिमाग लगाना बच्चों आप। संधारित्र की जब बात की जाए, सोचिए तो संधारित्र धारा के मान में
रुकावट डालता है एक्स सी, और जो होती है वन अपॉन ओमेगा सी, या ओमेगा को मैं टू पाई एफ लिख सकता हूं। यहां तक कहानी समझ में आई ना? मैं बात कर रहा हूं बच्चों संधारित्र की। संधारित्र धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे हम कहते हैं धारतीय प्रतिघात। क्या बोलते हैं? धारतीय प्रतिघात एक्स सी, जिसकी वैल्यू होती है बच्चों एक बटे ओमेगा सी, और ओमेगा को मैं टू पाई एफ लिखता हूं तो वन अपॉन टू पाई एफ सी। अब सुनना, अगर आप डीसी की बात करते हो बच्चों, डीसी तो डीसी के लिए फ्रिक्वेंसी होती है जीरो। जो दिष्ट धारा है इसकी आवृत्ति कितनी आती है? जीरो। और यहां फ्रिक्वेंसी अगर जीरो लिखी जाए ना तो इसके लिए एक्स सी हो जाएगा अनंत। मतलब संधारित्र की रुकावट कितनी हो जाएगी? अनंत। कहने का मतलब संधारित्र डीसी के मार्ग में बहुत ज्यादा रुकावट डालेगा, और बहुत ज्यादा रुकावट डालने का मतलब है डीसी को ब्लॉक कर देगा, डीसी को ब्लॉक कर देगा। बात करें बच्चों एसी की, तो एसी की फ्रिक्वेंसी होती है वैसे तो 50 होती है। कितनी होती है? 50। पर मैंने कहा चूंकि 50 बहुत उच्च वैल्यू है, तो आप समझने के लिए इसको उच्च का मतलब अनंत मान लीजिए। मैं खुद कह रहा हूं कि अनंत नहीं होती है, समझने के लिए अनंत मान सकते हैं। और जब आप यहां अनंत जमाओगे ना तो एक्स सी कितना आएगा? जीरो। वैसे एक्चुअल में जीरो नहीं होगा, लेकिन बहुत कम मतलब जीरो ही होगा। दोनों कथनों को अगर बच्चों में एक साथ पढ़ू ना तो आपको यहां से समझ में आएगा कि जो संधारित्र है ना, संधारित्र डीसी का क्या हाल कर रहा है? अनंत रुकावट मतलब ब्लॉक कर रहा है। संधारित्र डीसी को रोकता है, ब्लॉक कर दिया ना। तथा ये कौन सा करंट है? एसी को गुजरने देता है। तो याद रखना बच्चों, संधारित्र जो है एसी को तो पास कर देगा अगर कहीं संधारित्र लगा हुआ है। मैंने कहा था इसका एक बहुत अच्छा यूज मैं आपको चैप्टर नंबर 16 में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? तो आज के लिए आप इतना ही समझ लें। संधारित्र क्या कर रहा है बच्चों? संधारित्र एसी को तो गुजरने देगा और डीसी को बिल्कुल ब्लॉक कर देगा, बिल्कुल बाधित कर देगा, बिल्कुल रोक देगा उसको, उसको बिल्कुल भी नहीं गुजरने देगा। ये क्लियर है? पांच क्वेश्चंस आप जल्दी से ये पांच क्वेश्चन देखें, एक बार स्क्रीन पहुंच करके सॉल्यूशन लिख लें। बाकी इसमें कोई खास ऐसा लिखने योग्य तो है नहीं, है ना? आपको समझ में आना जरूरी है, ठीक है ना? आगे देखिएगा बच्चों, बात करें हम क्वेश्चन नंबर 6 की। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। किसका मात्रक समान नहीं है? देखो ध्यान से, आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 6। पहला ऑप्शन है बच्चों वन अपॉन रूट एल सी, और दूसरा है रूट एल सी। देखो वन अपॉन रूट एल सी पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है अंडर रूट में एल सी, तीसरा ऑप्शन है बच्चों आर सी, और फिर है एल अपॉन आर, आर सी, और डी है ऑप्शन यही ना? एक बार देख लेना, एल अपॉन आर आर सी बिल्कुल यही है। अब मैं इसके मात्रक की बात करना चाहूँ ना तो आप इसका मात्रक तो बच्चों सेकंडों बना सकते हो, सेकंड इनवर्स। आपको सर आपने कैसे बता दिया? तो बच्चों आप याद करो, एक फ्रिक्वेंसी का सूत्र पढ़ाया था मैंने आपको अनुनादी आवृत्ति का, एफ आर इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई अंडर रूट एल सी पढ़ाया था क्या? ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बाकी चाहो तो आप एल और सी का मात्रक जमा कर भी आप इनका उत्तर ला सकते हो, पर मैं इतना लंबा खींचना नहीं चाहता। तो मैंने आपको एक फ्रिक्वेंसी का सूत्र पढ़ा रखा है, याद ना? अनुनाद की स्थिति जब प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात बराबर होते हैं तो आरएलसी परिपथ अनुनाद की स्थिति में कहलाता है, याद है ना आप सबको? अनुनाद में एक सूत्र आया था फ्रिक्वेंसी का, एफ आर इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई रूट एल सी। अब दिमाग लगाना, एल एच एस का मात्रक फ्रिक्वेंसी आवृत्ति सेकंड इनवर्स, आवृत्ति समय का उल्टा होती है ना, सेकंड इनवर्स। तो इस पूरी चीज का मात्रक सेकंड इनवर्स होगा,
टूअर पाई कॉन्स्टेंट है, इसका कोई रोल ही नहीं है मात्रक में। तो एक वटे अंडर रूट एल सी तो दिख रहा है आपको, इसका मात्रक क्या होगा? सेकंड इनवर्स। और अगर बच्चों इसका सेकंड इनवर्स है तो इसका उल्टा कर दूं तो बचाओ सेकंड बचेगा कि नहीं बचेगा? ऑप्शन नंबर ए का मात्रक क्या है? सेकंड इनवर्स है। और ऑप्शन नंबर बी का मात्रक क्या है? सेकंड है, ठीक है ना। अब ऑप्शन नंबर सी चेक कर लें, ऑप्शन नंबर सी चेक कर लें। तो ऑप्शन नंबर सी का मात्रक क्या आएगा चेक करना, देख आर सी, आर क्या है प्रतिरोध, सी क्या है धारिता। बच्चों क्या मैं आर की जगह वी अपॉन आई जमा सकता हूं क्या? ओम का नियम याद करो, मुझे पूरा मात्रक नहीं पता पर मैं धीरे धीरे मात्रक तक पहुंच जरूर जाऊंगा। क्या मैं रेजिस्टेंस कैपिटल आर रेजिस्टेंस है, सी धारिता है। चैप्टर नंबर 5 याद करो, बी बराबर आई आर, आपने 10th क्लास में पढ़ा है यार। तो आर का सूत्र वी अपॉन आई, और सी का याद करो धारिता का क्यू अपॉन वी, दोनों सूत्र आपको याद होने चाहिए अच्छे से। बच्चों आपने वी से वी को काट दिया, क्यू को आपने ऊपर आई टी पुट कर दिया, नीचे कितना है आई, आई से आई कैंसिल आ गया। तो जो आर सी वैल्यू है एक तरीके समय के तुल्य है, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। आंसर तो बच्चों यही आ गया, इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, आप चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो, देख लेना इसका मात्रक भी सेकंड ही आएगा। क्योंकि हमसे तो ये पूछ रहा था ना किसका मात्रक समान नहीं है, जब इन दो का सेकंड है और ये सेकंड इनवर्स है तो ये तो फिर सेकंड ही होगा ना, तभी तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आएगा। तो वैसे ये क्वेश्चन ऑप्शन चेक का था, किसका था? ऑप्शन चेक, ऑप्शन चेक कर लो आप। जिस बोल रहा है कि किसका मात्रक अलग है तो बाकी सभी के मैंने देखे सेकंड सेकंड आए, और इसका कितना आया सेकंड इनवर्स, इसका मतलब ये और राशियों से डिफरेंट है। क्लियर है? ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल है ना, तो ढंग से देखते हैं। इसको इरेज कर रहा हूं भाई मैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ 10 किलोहर्ट्ज आवृत्ति पर अनुनादी होता है, ऐसे कहना चाह रहा है सुनना, कि कोई एसी सर्किट है, कोई भी एसी परिपथ है, समझिएगा एसी परिपथ है, और वो एसी परिपथ बच्चों कितनी फ्रीक्वेंसी पर 10 किलोहर्ट्ज, कितनी फ्रीक्वेंसी बच्चों, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 10 किलोहर्ट्ज है तो इस पर वो अनुनादी है, मतलब ये अनुनादी आवृत्ति है। कौन सी आवृत्ति है? अनुनादी। ध्यान से पूरी बातें समझना, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, इस बहाने आपके एक दो कॉन्सेप्ट और मजबूत होंगे बच्चों। एक एसी परिपथ है, सवाल पढ़े आप, एक एसी परिपथ है और वो 10 किलो हर्ट्ज पर अनुनादी अवस्था में है, इसका मतलब 10 किलो हर्ट्ज अनुनादी आवृत्ति। मैंने कहा एफ आर लिख दो या एफ जीरो भी लिख सकते हो आप, और आगे बढ़ो। यदि आवृत्ति बढ़ाकर 12 किलो हर्ट्ज है, ये सही कर लेना, सही कर लेना, बोल रहा है कि अगर मैं आवृत्ति को बढ़ाकर 12 किलो हर्ट्ज कर दूं, कर दी जाए, तो परिपथ की प्रतिवादा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन कह रहा है ए परिवर्तित रहेगी, 1.2 गुना बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी और धारती हो जाएगी, बढ़ जाएगी और प्रेरणिक हो जाएगी। अब मेरी बातें समझें आप ध्यान से, बहुत अच्छे समझना बच्चों। अनुनादी आवृत्ति 10 किलो हर्ट्ज है, ये 2-3 बार पढ़ने के बाद समझ में आ ही जाएगा। और बच्चों अगर 10 किलो हर्ट्ज की बात कर रहे हो ना, तो इस कंडीशन में तो XL किसके बराबर है? XC के बराबर। प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात दोनों के मान कैसे हैं? बराबर। कैसे हैं? बराबर। और इस अवस्था में जो प्रतिबाधा है ZRLC वो ऐसा कैपिटल R। बताओ इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं? मैं बहुत डीपली ले जाऊंगा इस क्वेश्चन को, पूरी बात आप समझने का प्रयास करोगे। अभी 10 किलो हर्ट्ज पर अनुनाद की स्थिति में है, मतलब प्रेरणिक प्रतिघात धारतीय प्रतिघात बराबर होंगे, और प्रतिबाधा कितनी होगी? आर। अविश ने कहा
कि हमने आवृत्ति बढ़ाकर कर दी 12 किलोहर्ट्ज। आवृत्ति कितनी कर दी बच्चों? 12 किलोहर्ट्ज। सुनना, एक्सएल का सूत्र होता है ओमेगा एल या 2πfL, और एक्स सी का सूत्र होता है 1/ωc या 1/2πfc। अब सुनना, जब फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज थी, जब फ्रीक्वेंसी, पहले पूरा समझ लें फिर आपको एक नोट लगाऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, थ्योरीज की तरह काम करेगा वो। जब फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज थी तो एक्सएल और एक्ससी दोनों बराबर थे बच्चों सर्किट में, जो वैल्यू एक्सएल की है वही वैल्यू एक्ससी की थी। पर अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो, देखो अगर फ्रीक्वेंसी अनुनाद आवृत्ति है तो बच्चों एक्सएल और एक्ससी बराबर होंगे, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और जब आप फ्रीक्वेंसी अनुनाद आवृत्ति से ज़्यादा कर दोगे, जैसे कि ये कंडीशन दी हुई है, आपने 12 किलोहर्ट्ज कर दी अनुनादी से ज़्यादा, तो बच्चों आवृत्ति बढ़ाने पर आपको दिख रहा होगा कि जो एक्सएल है ना, एक्सएल वो तो समानुपाती है आवृत्ति के, और एक्ससी व्युत्क्रमानुपाती है आवृत्ति के। अभी 10 किलोहर्ट्ज पर दोनों बराबर थे, आपने बच्चों फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने के बाद एक्सएल तो बढ़ेगा, अभी एक्सएल और एक्ससी 10-10 ओम है, पर जैसे आपने आवृत्ति बढ़ाई एक्सएल तो बढ़ गया और एक्ससी घट गया। स्टार्टिंग में मान लो 10 ओम और 10 ओम बराबर थे, अब आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो एक्सएल तो बढ़ के 12 ओम हो गया और एक्ससी घट के उल्टा 8 ओम हो गया, तो कौन ज़्यादा हुआ? जब फ्रीक्वेंसी अनुनादी आवृत्ति से ज़्यादा हो जाती है ना बच्चों, तो याद रखना एक्सएल बड़ा होता है एक्ससी से। ये तो अनुनाद की स्थिति थी, और इसमें कौन ज़्यादा होगा बच्चों? एक्सएल ज़्यादा है, एल का प्रभाव ज़्यादा है, मतलब परिपथ कैसा हो जाएगा? धारतीय है। परिपथ कैसा, सॉरी परिपथ कैसा हो जाएगा? प्रेरकीय। और अगर बच्चों आपने फ्रीक्वेंसी कम की होती अनुनादी से, 10-10 बराबर थी, फ्रीक्वेंसी कम कर दी आपने, तो देखो एक्सएल और एक्ससी में एक्सएल तो कम होगा और एक्ससी बढ़ेगा, अब परिपथ हो जाएगा धारतीय। कैसा हो जाएगा? धारतीय। मेरी कुछ बात समझ में आई? नहीं भी आई हो तो दोबारा देखना, क्योंकि जिनको समझ में आ गई है बहुत अच्छी, बहुत खुशी की बात है, जिनको नहीं आई है उनको कैसे याद रखना है सुनना। एसी परिपथ में 2-3 बातें याद रखनी है, क्योंकि आगे भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि यदि इसको आप अलग से नोट लगा के लिख लेंगे यहां पर, नोट मतलब जहां अनुनादी आवृत्ति लिखी हो आपने नोट्स में, जगह हो तो आप वहीं इस चीज को ऐड कर लेना बच्चों। क्या लिखोगे आप? कि यदि एफ बराबर एफ आर हो, तो अगर फ्रीक्वेंसी अनुनादी आवृत्ति के बराबर हो तो एक्सएल और एक्ससी बराबर होते हैं, प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात बराबर होते हैं, और इसे बोलते हैं अनुनाद की स्थिति। क्या बोलते हैं बच्चों? अनुनाद। ये आपने पढ़ा है, अनुनाद से समझ जाओगे। और इसमें जेड का मान न्यूनतम होता है आर, ये पता है आपको। फिर अगर फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा देते हो बच्चों, सुनना, जब आवृत्ति बढ़ेगी ना तो एल का प्रभाव बढ़ जाएगा, ये समझ में आया ना? क्यों? आवृत्ति बढ़ी है और एक्सएल आवृत्ति के समानुपाती है, एक्सएल तो आवृत्ति के समानुपाती है, एक्ससी व्युत्क्रमानुपाती है, तो जब एक्स आपने आवृत्ति बढ़ाई इसका मतलब एक्सएल बढ़ा होगा, और एक्सएल बढ़ा है, एक्सएल बढ़ा है, इसका मतलब आपका जो परिपथ है वो हो जाएगा प्रेरणिक। प्रतिबाधा तो बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि यहां न्यूनतम है, इसके अलावा हमेशा बढ़ती है। और अगर आप फ्रीक्वेंसी कम कर देते हो अनुनादी आवृत्ति से, तो फिर एक्सएल कम हो जाएगा और एक्ससी ज्यादा हो जाएगा, और जो परिपथ है ना आपका वो हो जाएगा धारतीय, क्योंकि कैपेसिटेंस की चलेगी। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, 7वें पर। इसने कहा है कि अनुनादी आवृत्ति कितनी है? 10
किलो हर्ट्ज अनुनाद की स्थिति है FR, और अगर अब आप आवृत्ति कितनी कर देते हो 12 किलो हर्ट्ज, तो बच्चों जो आपकी आवृत्ति है वो अनुनादी आवृत्ति से कैसी है, ज़्यादा। और जब आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति से बड़ी होती है बच्चों, अतः कौन बड़ा होगा भाई, XL बड़ा हो जाएगा XC से, हाँ या ना। जेड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जेड न्यूनतम कहाँ होता है, आप ग्राफ की शक्ल याद करो, अनुनादी आवृत्ति पर ही जेड न्यूनतम हो सकता है। अब आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति से कम हो चाहे ज़्यादा हो, जेड तो हमेशा बढ़ता है, और बढ़कर के कैसा हुआ है, प्रेरणिक। तो आंसर आएगा अतः प्रतिबाधा। पहली बात तो है बढ़ेगी एवं बढ़कर कैसी हो जाएगी बच्चों, बढ़ेगी एवं प्रेरणिक हो जाएगी, बढ़ेगी और बढ़कर प्रेरणिक। इसी सवाल में अगर फ्रीक्वेंसी को 10 किलो हर्ट्ज से 8 किलो हर्ट्ज कर देता तब भी प्रतिबाधा बढ़ती पर परिपथ धारतीय हो जाता बच्चों, बात समझ में आ जानी चाहिए भाई इतना समझाने के बाद, तो ठीक है ना। तो आप नोट करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है पढ़िए। एक प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा की कला वोल्टता की कला से पाई बाई थ्री कौन पीछे है, धारा वोल्टता से पाई बाई थ्री पीछे है बच्चों। क्वेश्चन नंबर एट देखना, यहां देख लो चलो, धारा वोल्टता की कला से एक परिपथ में धारा की कला वोल्टता की कला से पाई बाई थ्री कौन पीछे है, पाई बाई थ्री कौन पीछे है, वोल्टेज की क्या स्थिति है, धारा वोल्टता से पीछे है मतलब वोल्टता आगे है। अब अगर पाई बाई टू आगे होती बच्चों वोल्टेज तो शुद्ध L होता, पर कुछ कम आगे है तो इस बात का मतलब है आपका परिपथ RL होगा। याद है क्या कहानी, पाई बाई टू कौन आगे होती तो परिपथ कौन सा होता, शुद्ध L, हाँ या ना। पर आगे है पाई बाई टू नहीं है, पाई बाई थ्री का मतलब होता है 60 डिग्री आगे है बच्चों, और 60 डिग्री अगर आगे है तो आपका परिपथ कौन सा रहेगा, RL रहेगा साहब, कौन सा रहेगा, RL परिपथ होगा, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है यहां तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध प्रेरकत्व या धारिता का शक्ति गुणांक है, बहुत इजी है भाई, आप सबने कर लिया होगा, शक्ति गुणांक बच्चों आप सभी ने पढ़ा है, याद है कल कॉस फाई पढ़ाया था मैंने, शक्ति गुणांक प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा और वोल्टता के मध्य जो कलांतर है ना उसकी कोज्या। क्वेश्चन नंबर कौन सी बात कर रहे हैं, हम 9 की बात कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात कर रहे हैं बच्चों शक्ति गुणांक की, और आपको याद हो तो शक्ति गुणांक होता है कॉस फाई, और आप कौन से परिपथ की बात कर रहे हो बच्चों, शुद्ध प्रेरकत्व या धारिता की, और जब शुद्ध प्रेरकत्व या धारिता की बात की जाती है ना, तो जो कलांतर है वो होता है प्लस माइनस पाई बाई टू, और कलांतर अगर आप प्लस माइनस पाई बाई टू जमाओगे ना तो शक्ति गुणांक की वैल्यू कॉस की वैल्यू पाई बाई टू जमाओ चाहे माइनस पाई बाई टू जमाओ कितनी आती है, 0। तो शक्ति गुणांक कितना आ जाएगा अपना, 0, नोट करो आप चलो इसको। ठीक है भाई यहां तक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है, पढ़िए। एक प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति की हानि किए बिना धारा कम, ये चौक कुंडली का कॉन्सेप्ट है, अभी करवाया नहीं है तो मैं इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 सुनिए, आपको करंट का समीकरण दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 करंट दी हुई है, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। एक तो आपको करंट का इक्वेशन दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और वोल्ट तो दे रखा है भाई बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी। शक्ति कितनी होगी, शक्ति 6 निकालना है। V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और आपसे पावर लॉस पूछ रहा है बच्चों, तो सोच के देखो कितना आ रहा है। मुझे तो डायरेक्ट बिना पेन चलाए आंसर दिख रहा है। पावर कैसे निकालोगे आप, मैंने आपको एवरेज पावर पढ़ाई है ना, क्या P बराबर बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। पावर का जो फॉर्मूला आपको पढ़ा रखा है हमने, वो क्या पढ़ाया है, पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। और बच्चों कॉस फाई का मतलब कलांतर, और मुझे इन दोनों के बीच में कलांतर नजर आ रहा है पाई बाई टू, तो वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस पाई बाई टू, और कॉस पाई बाई टू कितना आएगा, 0। तो कुल मिलाकर के एवरेज पावर कितनी आ जाएगी, 0, जो उसमें पावर लॉस होगा इस सर्किट में। अच्छा आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं बच्चों कि ये एल सर्किट रहा होगा, ध्यान से देखो वोल्टेज पाई बाई टू कौन आगे है, और एल या सी परिपथ में पावर लॉस कितना आता है, हमेशा ही 0 आता है। ये मैंने आपको कल भी पावर लॉस में भी पढ़ाया था, याद होना चाहिए। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं बच्चों, हम समझ में आ रहे हैं सब। श्रेणी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में धारिता 1 माइक्रोफेरड और एल, अब एल पता नहीं कितना दिया हुआ है भाई, कैसे पता चलेगा बताओ, एक सेकंड। पता ही नहीं है इसमें, बताओ क्या बताऊं, फिर भी ट्राई करते हैं। C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरड, तो आप 10^-6 फेरड कह सकते हो, और L कितना है बच्चों, अब माइक्रो हेनरी होगा शायद, मैं 1 माइक्रो हेनरी लेके चल रहा हूं, तो 10^-6 हेनरी। अनुनादी आवृत्ति आपसे पूछी गई है, और अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है 1/2π√LC, तो इसमें वैल्यू जमाए हम 1/2π√, एल कितना है 10^-6, सी कितना है 10^-6, तो 1/2π −6 −6 −12, और −12 का रूट आता है बाहर 10^-6, और −6 अगर ऊपर जाएगा ना बच्चों, तो 10^+6 2π√, ये एक ऑप्शन में दिया हुआ है, शायद यही आंसर होगा। अब मैं शायद क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्लियर नहीं पता एल कितना है, बाकी अगर माइक्रो ना हुआ तो फिर आप उसके हिसाब से जो भी अपना आंसर आए आप सेट कर सकते हो। क्लियर है यहां तक, नोट करो। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 12 तक, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 ट्रांसफॉर्मर भी पढ़ाया नहीं है तब कराएंगे। 14 एक आपको है ना, एक ग्राफ बना के दिया है क्वेश्चन नंबर 14 में, देखना
कुछ इस तरीके से, एक्स अक्ष पर फ्रिक्वेंसी ली गई है, वाई अक्ष पर एक्स लिया गया है, ये ग्राफ तो ऐसा कुछ सीधा है, ये ग्राफ तो है बच्चों एक्सएल का, आपको पता होगा एक्सएल का फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन आता है, और ये ग्राफ ऐसा है 100% ये ग्राफ एक्स सी का रहा होगा बच्चों। इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, देखना, यहाँ पॉइंट है ए, यहाँ पॉइंट है बी, यहाँ कहीं सी और यहाँ कहीं डी, ऐसा एक ग्राफ है। क्वेश्चन है संलग्न चित्र में अनुनादी स्थिति को प्रदर्शित करने वाला बिंदु कौन सा है, ध्यान से सुनना, अनुनादी स्थिति को व्यक्त करने वाला बिंदु। बच्चों ग्राफ दिए हुए हैं एक्सएल और एक्स सी के, और बात करवा रहा है अनुनादी स्थिति की, और आप याद करो कि अगर आप अनुनादी अवस्था की बात कर रहे हो या अनुनादी स्थिति की बात कर रहे हो बच्चों, तो अनुनाद की अवस्था में प्रेरणिक प्रतिघात और धारित्य प्रतिघात आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, और इस ग्राफ में एक्सएल और एक्स सी मेरे हिसाब से तो इस पॉइंट पर बराबर हैं, और ये पॉइंट कौन सा है ए, ये पॉइंट कौन सा है ए, अतः है कैपिटल ए, अनुनाद की स्थिति दर्शाता है। बात समझ में आया, कैपिटल ए जो है वो व्यक्त करता है रेजोनेंस की कंडीशन, अनुनाद की स्थिति। और एक लास्ट 15वां क्वेश्चन, ये भी ट्रांसफॉर्मर पर है, ट्रांसफॉर्मर कराएंगे तब आपको ये क्वेश्चन अपन आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों कुछ दो या तीन क्वेश्चन मैंने अभी इसमें छुड़वाए हैं आपसे, क्योंकि अभी आपने दो टॉपिक पढ़े नहीं है, चौक कुंडली और ट्रांसफॉर्मर, उनको पढ़ने के बाद में वो टॉपिक भी आपको क्लियरली समझ में आ ही जाएंगे। क्लियर है ना यहां तक? अब आगे कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। देखिए बात करते हैं बच्चों अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में, निकाली सब अपने बुक में, अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चनों में आगे बढ़ते हैं बच्चों टाइम में, पेज नंबर 246। और पहला अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है, आपको प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण दिया हुआ है, V इज इक्वल टू 200√2 साइन 100 πt। क्या दिया है? V इज इक्वल टू 200√2 साइन 100 πt वोल्ट। आपको प्रत्यावर्ती वोल्टता का एक समीकरण दे रखा है 200√2 साइन 100 πt। इसका वर्ग माध्य मूलमान और आवृत्ति लिखो। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, आपको वर्ग माध्य मूलमान VRMS बताना है, और बच्चों आपको फ्रिक्वेंसी बतानी है। दो वैल्यू आपको यहां से निकालनी है, एक तो VRMS निकालना है और एक फ्रिक्वेंसी। जल्दी से कर दो, ऐसा क्वेश्चन है ना बोर्ड में कई बार देखा गया है भाई, कई बार। स्क्रीन पॉज करके एक बार ट्राई जरूर करना बच्चों। VRMS का सूत्र क्या बताया आपको मैंने, V0/√2। और रही बात V0 की, तो इस वोल्टेज के समीकरण में जो साइन से पहले लिखा हुआ है वही तो V0 है, तो V0 कितना है बच्चों 200√2, और भाग किसका देना है √2 का, √2 से √2 कट जाएगा, तो जो VRMS आ गया वो आ गया बच्चों 200 वोल्ट। कितना आ गया? 200 वोल्ट। पहला आंसर हो गया हमारा। दूसरा हमसे बात करवा रहा है आवृत्ति की, तो बच्चों आप ओमेगा निकाल सकते हो, याद है साइन ओमेगा टी, टी का गुणांक है ओमेगा, तो ओमेगा है 100 π, ओमेगा का सूत्र होता है 2 πf बराबर 100 π, पाई से पाई कैंसिल, यहां से फ्रिक्वेंसी निकल कर के आएगी 50 Hz। दो क्वेश्चन आपको करने थे, पहला आपको VRMS निकालना था, तो VRMS आया 200 वोल्ट, कितना आया 200 वोल्ट, और दूसरा बच्चों आपको फ्रिक्वेंसी निकालनी थी, तो फ्रिक्वेंसी कितनी निकल के आई, 50 Hz निकल करके आई।
ये हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दो पढ़िए। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल तथा शिखर मान में संबंध लिखो। बच्चों ये क्वेश्चन भी राजस्थान बोर्ड में कई बार आ चुका है। प्रत्यावर्ती या सीधा संबंध लिखो आप तो यार। धारा पूछा है, वोल्ट पूछा है। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान IRMS बराबर आई नॉट वाई रूट टू। पहले तो आप ब्रैकेट में संबंध लिख दो और यहां इनका मतलब जरूर लिख देना कि जहां IRMS क्या है। IRMS क्या है बच्चों? प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा वर्ग माध्य मूल मान। IRMS क्या है बच्चों? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। और आई नॉट क्या है बच्चों? आई नॉट क्या चीज है? प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। कहानी समझ में आई? आपको प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध लिखना था। तो संबंध क्या निकल के आया? IRMS बराबर आई नॉट वाई रूट टू। IRMS क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। और आई नॉट क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। क्लियर है दोनों क्वेश्चंस? तीसरा क्वेश्चन सुनिए। किसी प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। आपको करंट का समीकरण दिया हुआ है बच्चों I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़िए। तो प्रेरकत्व परिपथ में कौन से परिपथ की बात करवा रहा है? L। प्रेरकत्व परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण लिखो। तो मैं यहां लिख रहा हूं प्रेरकत्व परिपथ के लिए वोल्टता। प्रेरकत्व आपको समझ में आया? प्रेरकत्व का मतलब मैं बात कर रहा हूं बच्चों एल परिपथ की। और एल परिपथ में वोल्टेज का क्या हाल होता है? सबको पता है VL तो साहब खुद आगे होता है पाई बाई टू। कौन? तो वोल्टेज का समीकरण आएगा V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। प्रेरकत्व युक्त। अच्छा यही सवाल प्रतिरोध वाला होता तो मैं सिर्फ ओमेगा टी लिखता। प्रेरकत्व में वोल्टेज आगे है तो प्लस पाई बाई टू कर दिया। यही धारतीय होता तो कितना कर देता इसको? मैं माइनस पाई बाई टू कर देता। क्लियर है भाई यहां तक बात सबको? है ना? तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। जल्दी से तीनों क्वेश्चनों को लिखें। फिर हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, स्क्रीन पॉज कर लिख लिया करो साथ में। ठीक है भाई, तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों। तीसरे क्वेश्चन में आपको वोल्टेज का एक समीकरण दिया हुआ है V इज इक्वल टू 200 साइन 314 टी। वोल्टेज का आपको क्या समीकरण दिया है? V इज इक्वल टू 200 साइन 314 टी। 314 देते याद आ गया होगा 50 हर्ट्ज। तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति लिखो। आपको फ्रिक्वेंसी निकालनी है, फ्रिक्वेंसी निकालनी है बच्चों। याद होगा फ्रीक्वेंसी तो यहां से निकलेगी। साइन में जो टी का गुणांक है वो ओमेगा है। तो बच्चों ओमेगा आ चुका है 314। ओमेगा को आप लिखते हो 2πf, वो है 314। आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो 314 बटे 2 और पाई है बच्चों 3.14। इस पॉइंट को काटूंगा तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगी। फिर 314 से 314 कट जाएगा पर 2 जीरो का मतलब 100 बचेगा बच्चों। और 100 को 2 से भाग दूंगा तो 50 हर्ट्ज। वैसे मैंने आपको याद करवा रखा है कि जब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है तभी ओमेगा 314 आता है। ऐसा कई बार हमारे सामने ये टॉपिक आता है ना, तो हम इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर चार की अगर मैं बात करूं, चार हो गया। पांचवा, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति बढ़ाने पर प्रेरणिक प्रतिघात और धारते प्रतिघात पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर चार था ये ना, पांचवे की बात करूं मैं। एक प्रेरणिक प्रतिघात है एक्सएल, जिसका सूत्र है ओमेगा एल और वो है 2πfL। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सएल है वो समानुपाती है एफ के, और अगर हम एक्स सी की बात करें तो वो है 1/ωc या 1/2πfc। कहने का मतलब एक्स सी व्युत्क्रमानुपाती है बच्चों एफ का। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मैं फ्रिक्वेंसी बढ़ाऊं, बच्चों जब आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे ना तो प्रेरणिक प्रतिघात बढ़ेगा और धारतीय प्रतिघात कम होगा। क्वेश्चन था आवृत्ति बढ़ाने पर, समानुपाती है ना एक्सएल, तो इस वजह से एक्सएल बढ़ेगा और एक्स सी व्युत्क्रमानुपाती है इसलिए वो घटेगा फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पर। तो आंसर आएगा, अतः स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि आवृत्ति बढ़ाने पर क्या होगा बच्चों? प्रेरणिक प्रतिघात बढ़ेगा, जबकि धारतीय प्रतिघात घटेगा, मतलब कम होगा। अगर आप आवृत्ति बढ़ाते हो तो प्रेरणिक प्रतिघात बढ़ेगा और इसके अपोजिट जो धारतीय प्रतिघात होगा ना वो कम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमसे पूछा गया था कि अगर हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाएं तो प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात किस तरीके से परिवर्तित होंगी। तो आंसर होगा, अगर आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हो तो प्रेरणिक प्रतिघात बढ़ जाएगा और इसके अपोजिट धारतीय प्रतिघात कम हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, ठीक है ना। एक छठा क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। एक कुंडली का प्रेरकत्व 0.1 हेनरी, कैपिटल एल की वैल्यू दी हुई है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति है, प्रतिघात निकालना है। बड़ा सरल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं चर्चा करता हूं, आपको L दिया हुआ है 0.1 हेनरी, फ्रिक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज और प्रतिघात आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों XL का सूत्र क्या पढ़ा है आप लोगों ने? ओमेगा L, या इसको हम 2πfL भी लिख सकते हैं। 2π है 3.14, फ्रिक्वेंसी कितना है 50 और L कितना है 0.1। बच्चों यहाँ से यहाँ तक आपको याद होगा 314 होता है, और 314 का अगर मैं 0.1 से गुणा करूँगा है ना, तो 31.4 ओम। भाई 0.1 ना होता तो 314 होता, 0.1 से गुणा और कर दिया तो 31.4 ओम। बच्चों आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये भलीभांति समझ में आ गए होंगे। आप लोगों ने पहले भी ये ट्राई कर लिए होंगे। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप तैयार रखें, अगली वीडियो में हम इन क्वेश्चनों को करवाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। बाकी फिर कल मिलते हैं इसी टाइम, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस कर लो आप।